गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पढ़ने आ रहे क्लास 12th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 प्रॉब्लम नंबर 17 16 तक कराया हुआ था। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमने इसके इंटीग्रल को आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, बिल्कुल जैसे ए प्लस बी रहे कहीं अपॉन सी रहे, तो इसको आप क्या लिखते हो, वन अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, तो उसी तरह डिनोमेटर से अलग कर लेंगे। तो ये तो हो गया साइन क्यूब एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, उसी तरह प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके बाद ये आ गया डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो साइन से एक स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा, ऊपर एक साइन एक्स बच गया और नीचे जो है कॉस स्क्वायर बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पर भी एक कॉस एक्स बच गया और एक कट गया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बच गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करना है, अब हमें देखिए एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन और एक वन अपॉन कॉस जो है वो जाएगा सेक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स प्लस, अब कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट और एक साइन बचेगा हो जाएगा कॉसेक, तो इसको लिखेंगे कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये तो हो गया डी एक्स। अब इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से हमने सेपरेट कर दिया, इसको भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा कॉसेक कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, sec x tan x स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप देख लीजिए, इसके जगह सीधा सीधा हो जाएगा sec x और ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, cosec x cot x माइनस cosec x आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत छोटा सा है, ये बन गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, इसको नेक्स्ट आपको बताते हैं। थैंक यू।